क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो सर टीआरएस पर हमने हाल ही में बहुत सारी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है <laughs> और मैंने बहुत कुछ सीखा है पॉलिटिक्स के बारे में ये जाना है कि एक पॉलिटिशियन के करियर में दो फेजेस होते हैं एक फेज होता है इलेक्शन जीतना दूसरा फेज होता है गवर्नेंस और अक्सर ना हमारे देश के न्यूज चैनल सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस करते हैं गवर्नेंस पर बहुत कम और कॉन्वर्सेशन भी इलेक्शंस के अराउंड होती है माय पार्टी वर्सेस योर पार्टी ना कि गवर्नेंस पर हाँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग गवर्नेंस के बारे में सीखे और फिर खुद की डिसीजन बनाए हाँ, 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 हाँ। आ, मैं सही कह रहा हूँ बहुत एक्चुअली बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा है Uh, मैं जैसे कह रहा था पहले कि एक सरकार की अवधि पाँच साल होती है जी और पाँच साल के एंड uh, में उनको इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है जो गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस को बहुत तरीके में आप कह सकते हैं गवर्नेंस का मेरा एक बहुत सरल सा एक डेफिनेशन uh, होगा कि जो देश के हित में है वो करना अच्छी गवर्नेंस हो गई जी जो आपके निजी या सेल्फिश हित में है वो करना वो शायद अच्छी गवर्नेंस नहीं है जी बस जी. इतना सा सरल सा एक डेफिनेशन दूंगा यदि सरकार एजुकेशन में पैसे डालती है हेल्थ केयर में डालती है जैसे आयुष्मान भारत हो गया या फिर जल जल से नल हो गया क्लीनिंग कर स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत क्योंकि यदि आप स्वच्छ जगह पे नहीं रहोगे तो आपको बीमारियाँ आएंगी और बीमारी अब हो, बीमार होगे तो आप काम पे नहीं जा पाओगे बहुत सारे ऐसे तो इनमें जब आप पैसे डालते हो तो वो अच्छा गवर्नेंस हो रहा है हाँ जी क्योंकि आप दूर की सोच रहे हैं देश के हित में सोच रहे हैं देश जो है सिर्फ पाँच साल की नहीं देश तो चलता जाएगा एक्चुअली तो जो दूरदर्शी जो कदम लेता है वो अच्छा गवर्नेंस है और जो ऐसा कदम लेता है सिर्फ आ, हम हम दोबारा इलेक्शन एल, जीत के आ जाएं, भले ही उससे देश का हानि हो वो तो साफ है वो अच्छा गवर्नेंस नहीं है ओके okay. मतलब कुछ पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर पैसे खाते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर अच्छा काम करता है देखिए मैं मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओके okay, okay. और फ़र्क तो होता है जैसे हमारे पांच अंग आ, हाथ में जो पांच उंगलियाँ होती हैं पांचों में फर्क होता है तो मैं पैसे खाने की नहीं बात कर रहा वो तो बहुत खराब हो गया वो मतलब लेकिन आप यदि पैसे लेके उसको उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हो तो तो वो भी सही गवर्नेंस नहीं है सही इस्तेमाल एक इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव से मतलब क्या सर मतलब ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ हाँ जैसे जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें देश में काबिलियत बढ़ाती हैं ओके okay. जैसे मैं, मैं मैं अच्छे स्कूल में गया इसलिए जितना भी मैं काबिल बना आ, तो ये वो जो निवेश हमारे पिताजी ने हम पे किया वैसे ही सरकार यदि एजुकेशन में खर्चा करे तो आप दिमाग से काबिल बनते हो हेल्थ केयर में करो तो एक्चुअली आप स्वस्थ बनते हो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाए एक्चुअली तो कंपनियां जो हैं अपना अपनी बिजनेस करने में काबिल बनती हैं तो जब आप काबिलियत बढ़ाते हो तो उससे जो है वो निवेश अच्छा निवेश है ओके okay, सर uh, जितना मैंने करंट गवर्नमेंट के बारे में समझा मुझे ये डेफिनेटली पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है एम आई राइट करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बिल्डिंग्स uh, और डिजिटल uh, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड दैट करेक्ट क्योंकि मेरे अनुसार mm -hmm. uh, मोदी जी की गवर्नमेंट थोड़ी सी लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली गवर्नमेंट है पर अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग को एनेबल करना है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है अगर आपका पहला एक ऑफिस बना है फिर आप टीम जमा कर सकते हो Correct. फिर आप काम Correct. कर सकते हो यही करेक्ट दो सवाल है mm -hmm. जो आपने कहा कि एक एवरेज ग्रोथ रेट होती है mm -hmm. जिसे मेजर किया जाता mm -hmm. है जैसे क्रिकेट में बैटिंग एवरेज हो बैटिंग एवरेज होती होता या फिर आपकी जो ये एक बेहतर रहेगा कि रन रेट जो चल रही है आपकी ओके यदि आप रन रेट यदि छह का रन रेट कर रहे हो तो आप पचास ओवर में तीन सौ रन बना बना जाओगे जी लेकिन यदि आप एक्चुअली चार के रन रेट बनाओ तो आप सिर्फ दो सौ रन बनाओगे जी पिछले दस सालों की रन रेट क्या है देश की देश के यदि आप पिछले दस सालों की रन रेट देखें तो साढ़े छह से सात तक रहेगा ओके अंदाजन एंड एज एन इकोनॉमिस्ट आप मानते हो कि पांच से ज्यादा अगर ग्रोथ है तो बहुत अच्छा से है हाँ मैं देखिए मेरा तो ये रहता है कि मैं मैं इम्पेश हूँ मुझे और ग्रोथ रेट चाहिए अग्रेशन अग मैं हाँ इम्पेशेंट और अग्रेसिव भी हूँ भारत जो है सात प्रतिशत पर तो ग्रो कर सकता है लेकिन आठ पे भी ग्रो कर सकता है ओके okay. आठ से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है और जो कंपाउंडिंग की मैंने बात करी यदि सात प्रतिशत पर आप दस साल ग्रो करोगे उसके आठ पे ग्रो करोगे तो आपकी जो आमदनी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी वहाँ तक पहुँचे कैसे वही उसी वही इसी पे तो आर्थिक सर्वेक्षण हमने लिखा है क्योंकि जो अब अब आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि नीतियाँ जो है पार्लियामेंट में बनाए प्रेजेंट की जाती हैं सरकार बनाती है लेकिन उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल करना होता है तो हर बजट के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है जिसमें कि ये दिखलाया जाता है कि पिछले साल में हमारी इकोनॉमी कैसी कैसी रही तो एक, एक वॉल्यूम होती वॉल्यूम टू लेकिन आगे क्या करना है आगे किस तरह की नीतियां बनानी है उसमें हमने काफी ध्यान दिया वॉल्यूम वन में लिखा जैसे पहले जैसे मैंने कह रहा था 2018-19 की जो आर्थिक सर्वेक्षण थी वो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए क्या आर्थिक नीति होनी चाहिए उस पर लिखा हमने दूसरा 2019-20 का उसका थीम था एथिकल वेल्थ क्रिएशन यानी कि अब जैसे आप समझोगे कि उन्नीस सौ इक्यानवे से पहले भारत में सोशलिस्टिक पॉलिसीज थे और हम प्रॉफिट को उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे वेल्थ क्रिएटर्स को उन और वेल्थ और वेल्थ क्रिएटर्स को उतनी अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे जैसे आप बॉलीवुड की मूवी ले लो डैनी डैनजोंगपा ऐसे सब आते थे एक्चुअली उनको एकदम अमीर अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता था और चोर होते हैं जैसे hmm. तो ये जो एक धारणा बनी थी ये बॉलीवुड का भी इसमें हाथ था लेकिन आप देखो 1990 के बाद और लिबरलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि एक्चुअली अमीरों को हर बार मतलब हर अमीर चोर है नहीं दिखाया जाता क्योंकि hmm. ऐसे आप, आप हम उदाहरण ले लो एक जैसे किन किन इन, इनकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ नारायण मूर्ति सर जैसे नारायण मूर्ति सर ने एक्चुअली आईटी में कंपनी बनाया पैसे जो बनाए सही तरीके से बनाए हैं जी उन्होंने आईटी फर्म बनाया बिज़नेस किया जो अमेरिकन कंपनी थी उनको एक्चुअली उनको प्रोडक्ट्स और अच्छे सॉल्यूशंस दिए और उससे और और रिच अमीर बने तो वो तो अच्छे इंसान हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और एक्चुअली अपने लिए तो भला किया ही लेकिन कितने लोगों को रोज़गार दिया तो ये जो हमारे में इसमें एक धारणा थी कि जो जो पैसे बनाता है वो खराब है तो ये एक किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है पैसे बनाने चाहिए लेकिन सही तरीके में बनाना चाहिए तो ये जो आर्थिक सर्वेशन हमने इसमें लिखा था एथिकल वेल्थ क्रिएशन और इसमें हमने भारतीय हमारे देश की जो संस्कृति रही है उससे काफ़ी सारी उससे आइडियाज लेके पहला जो चार्ट था इसमें हमने दिखाया था कि यदि आप ये एंगुस मेडिसिन करके उन्होंने एक एक ऑथर हैं जिन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए किताब लिखा था जिसमें पहल, पिछले दो साल में किस देश का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा आर्थिक आ, 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 जो क्षेत्र में उसका पूरा आंकलन करके उन्होंने एक एक आ, आ, बुक लिखा था उसमें एक चार्ट है जिसमें आप यदि आर्थिक सर्वेक्षण जाओगे पढ़ोगे तो पहला चार्ट उसमें ये दिखाता है कि 1750 तक यानी कि 2000 साल में से तीन चौथाई भारत जो है भारत का बोलबाला बहुत ज़्यादा था और आंकड़ों में बताता हूं कि 1750 तक हर साल हर शताब्दी में भारत कम से कम एक तिहाई वन थर्ड जो विश्व की जीडीपी है उसमें योगदान भारत का होता था एक वन थर्ड कम से कम जी और जो मतलब औसताना यदि आप देखेंगे तो वो 1750 सालों में भारत का औसताना जो वर्ल्ड जीडीपी में जो उसका योगदान था 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली यदि आप अमेरिका को ले लो पिछले पचास साल में पचास से साठ सत्तर साल ले लो उसमें जो है एकदम सुपर पार रही है एक शताब्दी भी नहीं हुई है और उसमें उनका योगदान कितना रहा है औसत आना करीब करीब तेईस या थोड़ा ज़्यादा भी लाओ पच्चीस प्रतिशत औसत आना पच्चीस प्रतिशत तो आप कंपेयर करो साढ़े सत्रह शताब्दी साढ़े सत्रह शताब्दी जिसमें कि कम से कम एक तिहाई और औसताना चालीस प्रतिशत से ऊपर तो कितना बोलबाला रहा होगा ऐसा बोलबाला जो है सिर्फ लक से नहीं बनता सोच से बनता है तो हमारे जो काफी सारे जो तप अर्थशास्त्री कौटिल्य जिन्होंने जो, जो अर्थशास्त्र लिखा तो उससे काफ़ी सारे मतलब उससे उससे इंस्पिरेशन लेके वैसे ही साउथ में जैसे मैं छोटा था हमारे हमारे पिताजी हमको बोलते थे तिरुक्कुरल पढ़ो तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल करीब तीन हज़ार पाँच सौ साल पहले लिखा हुआ लेकिन उसमें भी वो कहते हैं एक्चुअली कि इस कि पैसा जो है जो पैसा खराब नहीं है अच्छी तरीके से पैसा कमाया जो पैसा है वो अच्छा है तो वो हमारी जो है संस्कृति रही है अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ